अल्लाह हाफिज अम्मी। अच्छा अबू मैं स्कूल जा रहा हूँ। रुको बेटा। जी अबू। बेटा इतने उदास क्यों हो? अबू मैंने आपको बोला भी था जूते ले दें। बेटा कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन हालात तुम्हारे सामने हैं। आज के दौर में बेटा दो वक्त की रोटी भी मुश्किल है, कैसे ले दूँ तुम्हें जूते? बेटा देखो तुम्हारे छोटे भाई के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटा लेकिन। अच्छा अबू मैं जा रहा हूँ। रुको बेटा रुको। आज इतने लेट क्यों आयो? उस्ताद जी मैं मोची से जूते सिलाई करवाने गया था इसलिए देर हो गई। बेटा इसमें रोने वाली कौन सी बात है, चलो बैठ जाओ। बेचारे के पास जूते नहीं है इसी वजह से परेशान है, मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। कई दिनों से ये टूटे हुए जूते ही पहन रहे। अच्छा बच्चों जो इस हफ्ते आपने पढ़ा वो याद है आपको? आज आपका सरप्राइज टेस्ट है। आपके पास 5 मिनट है रिवाइज कर लें, जिसका टेस्ट अच्छा हुआ उसको इनाम मिलेगा। मैं टेस्ट लिखवाता हूँ मुझे बुक दें। हाँ तो बच्चों टेस्ट लिख लियो, जल्दी से टेस्ट मुझे जमा करवा दे। अरे वाह बच्चों आज तो हैरानगी की बात है, सबने बराबर नंबर लिए हैं। तो इनाम किसे मिलेगा? वही सोच रहा हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। इस बाउल में सब अपने अपने नाम की पर्चियां डाल दें, जिसके नाम की भी पर्ची निकली उसको इनाम मिलेगा। याला मुझे जूते दिला दे। जिसने इनाम जीता है उसका नाम है शावली। हेलो तो इनाम ले आओ जल्दी से। हाँ तो ले आए।
वली बेटा इधर आओ। अरे वाह नए जूते, थैंक यू सर। खुश रहो बेटा खुश रहो। ऐसे कैसे हो सकता है सिर्फ वली की पर्ची हो? ये क्या, इस सब पे तो वली का ही नाम है। या अल्लाह तू कितना रहमान है। मैंने तो इस बच्चे को सिर्फ नाम देने का सोचा था, लेकिन इन बच्चों ने मुमकिन कर दिखाया। मतलब कि सब बच्चों को वली का एहसास था।